क्योंकि हम सारे चैलेंज कर चुके हैं। गिनती के पांच चैलेंज तो कोली करें अभी नहीं, मतलब पिज्जा भी सामने रखे, देखो सब लोगों ने अपनी अपनी सीट खेली। कंचन तुम भी खेलोगी? और क्या, मैं नहीं खेलूंगी। ओ आए ओए ओए, कंचन तो भैया सुबह सुबह मॉर्निंग में सेब काट रही है, ब्रेकफास्ट में आज सेब चलेगा। और कुणाल चौधरी क्या कर रहे हैं? ब्रेकफास्ट में नहीं है सेब, लंच में। लंच का टाइम हो गया। मैं नहीं है तो मैं ऐसे ही काट रही हूँ, क्योंकि ये थोड़े खराब हो रहे थे ना, तो छिलके छिलके निकाल दिए मैंने। ओ भाई खराब हो रहे थे तो देखो छिलके छिलके निकाल के। बचत करता वुमेन, द कंचन वुमेन। और कुणाल चौधरी बचत करती है दिन में, रात को के खाने के लिए लिया, कुछ खाने के लिए लिया। ऐसा है क्या? अच्छा। सो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो दोस्तों आज सैटरडे और क्या है, छुट्टी वाला दिन। और आज मैं कंचन के साथ बैठ रखा था, हमारे साथ कुणाल भी है, तो अभी हम लोग प्लान कर रहे थे कुछ। किस चीज का प्लान कर रहे थे? चैलेंज का। आज चैलेंज वीडियो है हमारे, तो हम चैलेंज का प्लान कर रहे हैं। तो हम तो कुछ चैलेंज का प्लान कर रहे थे, पर हमारे दिमाग में कुछ चैलेंज नहीं आ रहा। तो देखो एक तुरंत, क्योंकि हम सारे चैलेंज कर चुके हैं। आज कुछ गिनती के पांच चैलेंज तो कोली करे अभी नहीं, मतलब लगभग मोस्ट पॉपुलर तो कर चुके हैं, ट्रेंडिंग चैलेंज तो कर चुके हैं हम पूरे, ट्रेंडिंग चैलेंज कर चुके हैं। तो कुछ है बचा है कुछ खाने का करते हैं। तो भाई आज हम ना कुछ खाने का ईटिंग चैलेंज करने वाले हैं। तो फिलहाल जल्दी से बंदोबस्त करते हैं, क्या क्या नहीं, पहले बंदोबस्त से पहले पूछते हैं, पहले सोचते हैं, फिर बाद में पूछेंगे, फिर डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद फाइनल। अभी हम सुबह से प्लान करते हैं चैलेंज का, शाम को जाए खत्म होता है चैलेंज, और 7-8 बजे करीब चैलेंज खत्म होता है कि हाँ ये करना है फाइनल। तो पूरी प्रोसेस बता दी, अब जल्दी से पहले सोचते हैं, फिर पूछते हैं, और फिर जल्दी से सेटअप रेडी करते हैं और आपको बढ़िया सा चैलेंज दिखाते हैं। सो दोस्तों क्या डिसाइड किया तुमने? हमने डिसाइड किया है पिज्जा चैलेंज। तो आज हम जो चैलेंज करने वाले हैं वो क्या है? पिज्जा चैलेंज। तो नॉर्मल पिज्जा चैलेंज है कि नहीं, ट्विस्ट के साथ है। हाँ। एक ट्विस्ट के साथ है, वो ट्विस्ट हम बताएंगे जब चैलेंज करेंगे सीधा तब। हाँ। अभी नहीं बता रहे? नहीं, दिल तोड़ दिया, अभी से ही सस्पेंस खत्म कर देंगे तो मजा नहीं आएगा। तो भैया आज होने वाला है पिज्जा चैलेंज, तो पिज्जा खाने के लिए देखो कितनी सारी, मेरे को लगा चैलेंज से ज्यादा पिज्जा खाने के लिए एक्साइटेड है सब लोग। तो कुणाल जल्दी से अपने क्या कहते हैं ओप्पो फोन का यूज करके पिज्जा ऑर्डर कर दो। तो कितनी देर से बैठे हुए हैं ऑर्डर करने के लिए पिज्जा, आपकी परमिशन मिली, आप करेंगे। तो भाई ऑर्डर तो हमने कर दिया, ये देखो, ये देखे भाई दोस्तों कुणाल ने कर दिया है पिज्जा ऑर्डर। और अब देखते हैं उसमें लिखा तो 25 मिनट है, देखते हैं कितनी देर में आते हैं। ऐसे 25 मिनट में आएगा? हाँ, 25 मिनट लेगा। हाँ। और भाई जोमेटो से करा ऑर्डर, जोमेटो वाला प्रमोशन हो गया फिर। तो चलो भाई जल्दी से सेटअप रेडी करो, इतने तुम्हारे पिज्जा आते हैं, आ जाओ भाई। चलो सो भाई कुणाल ने पिज्जा ऑर्डर कर दिए हैं और अब जल्दी से चलते छत पे, क्योंकि आज का जो चैलेंज हम लोग कहाँ शूट करने वाले हैं? छत पे शूट करने वाले हैं। सबसे ज्यादा वो हमें अच्छा इस चीज का लग रहा है कि पिज्जा चैलेंज करने से ज्यादा अच्छा हुआ खाने के लिए, तो खाने के लिए ज्यादा एक्साइटेड है। तो दोस्तों जल्दी से चलते छत पे और पूरा रेडी करते हैं सेटअप, और मिलते हैं आपसे चैलेंज में। सो ये देखो भैया हमारा घर, और ये देखो भैया कहाँ तक आ गए। अब मैं आ गया हूँ बाहर, क्योंकि भाई एक्साइटमेंट इतनी हो रही है ना, मतलब मैंने आपको जैसा ही बताया था कि खाने चैलेंज से ज़्यादा खाने की एक्साइटमेंट हो रही है, तो वही सीन है। अभी मैं रखा था बाहर, अब जल्दी से देखते हैं भैया कितनी देर में आ रहे हैं। वैसे तो अब 1-1.5 मिनट आ ही गए लो भैया, अब मैक्स टू मैक्स 1-1.5 मिनट लग रहा है, और लेते हैं ऑर्डर और चलते हैं जल्दी से अंदर, क्योंकि सब लोग ऊपर वेट कर रहे हैं। लो भाई आ गए भैया, अभी ऑर्डर लेके लो भैया। ओके भैया धन्यवाद। अच्छा कोल्ड ड्रिंक भी थी, ओके भैया थैंक यू। सो भैया सारा का सारा ऑर्डर आ गया, और सब चलते हैं जल्दी से ऊपर, क्योंकि सबके सब लोग वेट कर रहे हैं। भाई तुमने तो पिज्जा खाने की ज्यादा जल्दी हो रही है। सो भाई पूरी पूरी टीम आ गई है छत में, साथ पिज्जा भी आ गए हैं सारे, और पिज्जा भी सामने रखे हैं। देखो सब लोगों ने अपनी अपनी सीट खेली। कंचन तुम भी खेलोगी? और क्या, मैं नहीं खेलूंगी, मेरी सीट, मेरी सीट छीन ली, अब मुझे कोई और सीट लानी पड़ेगी। कंचन सच में खेल रहे हो तुम? हाँ, मेरा फेवरेट है पिज्जा। तो भाई पिज्जा के नाम से कंचन खेल रही है, वरना तो नहीं खेलती। और देखो सबके सब लोग बैठ गए, और कुणाल ने पिज्जा निकाल भी ले। कुणाल तू भी खेलेगा? हाँ। तो जल्दी से सीट ले भाई, और जल्दी से पिज्जा सर्व कर सबकी प्लेट में। और देखो आज का जो व्लॉग शूट कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं एकदम खुले आसमान के नीचे, और अपनी छत, घर की छत पे। तो आजकल ना जल्दी जल्दी अंधेरा हो जाता है, तो इसलिए जल्दी से शूट करते हैं। यहाँ पर प्राइस क्या मिलने वाला है कुणाल? प्राइस ये देखो, एक पिज्जा का डब्बा हमने एक्स्ट्रा मंगवाया था, तो ये है प्राइस में आज। समझ गए भाई? तो जो जो सबसे पहले खा लेगा बिना हाथ, हाँ पहले वो बता दो नियम। तो नियम यह है, ना तो प्लेट पकड़नी है और ना पिज्जा पकड़ना है हाथ से, हाथ टच नहीं होना चाहिए। और अगर हमारी प्लेट आगे भाग गई तो मुंह से खींचना आगे। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया। देखो बेसिकली मैं समझाता हूँ, हमें
ये चैलेंज करना है, पिज्जा ईटिंग चैलेंज विदाउट टचिंग आर हैंड। बात खत्म। तो हाथ टच नहीं करने भाई, तो जो जिसने जल्दी खा लिया सबसे पहले उसे ये पूरा का पूरा पिज्जा का डब्बा मिलेगा। क्या है प्राइस? अच्छा है, अरे भरा हुआ है डब्बा का ही तो, अच्छा खा लिया भरा हुआ है, ये बढ़िया था गुरु। और आप जल्दी से कर दो चैलेंज स्टार्ट। ओ भाई लड़ो मत, लड़ने पे भाई बैठने पे लड़ाई हो रही है। बैठ गया, मैं भी नीचे ही बैठ के कुछ तो ट्रिक होगी। बैठ जाओ, सब अपनी चेयर पीछे कर दी। करते हैं स्टार्ट। ओ भाई ओए ओए ओए, रिंकी ने पूरा जोर दे रखा है भाई। ओ भाई कोमल, वाह शाबाश शाबाश। रिंकी हाथ नहीं, रिंकी हाथ नहीं, निकाल दूंगा चीटिंग करेगी तो। ओ कुणाल 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 खा गया। रिंकू भी खा गया भाई। कुणाल ओ भाई कुणाल रिंकू खा गया, कुणाल तो रहा है। ओ रिंकू जीत गया, अभी रुक जाओ इनका देखना तो कौन फर्स्ट आया है। रिंकू सेकंड आया कुणाल, थर्ड के लिए लड़ाई हो रही है। और रिंकी रिंकी प्लेट में है थोड़ा सा, रिंकी हाथ नहीं लगाना। मनु ये भी बच्चे हैं इस कंपटीशन में। हाँ रिंकी ने खा लिया भाई, थर्ड आई है रिंकी। फोर्थ 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 की लड़ाई हो रही है, फोर्थ की लड़ाई हो रही है। मुंह खोल के दिखा। फोर्थ आई है कोमल, फिफ्थ की लड़ाई। मुंह खोल। तो कंचन ने पूरा खाली कर दिया और मनु के मुंह में भी था। तो सबसे लास्ट कौन आया? ये सबसे लास्ट आई है मनु। और फर्स्ट कौन आया? रिंकू। फर्स्ट आया रिंकू। ओ भाई रिंकू खेल गया भाई, रिंकू खेल गया। एक चीज मैंने देखो नोट करी है दोस्तों, आपको दिख नहीं रहा होगा, मुंह मत पोछ, हाथ मत लगा, देखो पूरे मुंह पे लगवाओ। देखो उसने पोछ दी कंचन का मुंह, हाथ दिखाओ, वो मुंह दिखाओ। अरे बस मेरी थाली, मेरा पिज्जा रिंकू की थाली। रिंकी तेरे साथ क्या हुआ? एक ही बार में मैंने ऐसे लिया और वो पिज्जा उल्टा हो गया। अरे पता क्या हुआ, जिसने चीज चीज खाया ना उसमें पहले वो जीतता है। देखो मैं बताती हूँ, मुझे ट्रिक बाद में समझ में आई कि ऐसे किनारे लाके खाना था, ऐसे ऐसे करके सारे जानवर। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। तो ये ट्रिक ना रिंकू पहले से प्रैक्टिस कर रहा था, पता है इसने वीडियो देख ली थी मेरे को, पहले देखी नहीं थी। फाइनली जीत गया, मजा आया, पिज्जा अच्छा था, बहुत मस्त। मेरे को लग रहा है सबसे इंटरेस्टिंग चैलेंज यही रहा है हमारा। क्या बात कर रहे हैं। तो तुम्हें पिज्जा में मजा आया और चैलेंज में मजा आया, दोनों में मजा आया। तो दोस्तों जैसे कि हमारी कमिटमेंट थी कि जो जीतेगा उसे मिलेगा ये पूरा का पूरा पिज्जा का बॉक्स, किसे चाहिए था? लेकिन लेकिन कौन जीता है? मतलब मुझे कुछ भी मत दो, बस पिज्जा दे दो तो मैं खा लूंगी। इतने अच्छे नहीं हो तुम। भाई रिंकू ये रहा आपका पिज्जा का बॉक्स। क्या चीज क्या बोलते? और ही कहना चिल्ली फ्लेक्स। रिंक कोई दिक्कत नहीं, इसका अलग स्वैग है भाई, ये हमेशा हर चीज में ही वो निकालती है। क्या कमी। चलो भाई घर घर जाओ अपने। ठीक है, सो गाइस आप लोग कमेंट करके बताना कि ये चैलेंज आपको कैसा लगा और हम कल को क्या चैलेंज करें, यही बताना। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कौन विनर होगा? हाँ ये जरूर बताना दोस्तों, सबको पता तो यही होगा, सबसे बड़ा खाद्य यही हमारे घर में। और इन पहले ट्रिक समझ लेना कि कैसे खाना, वरना मैं भी जीत जाती। और हम भी जाते फिर ऐसे, सभी समझ के जीत जाते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे अब, तो कल मिलते हैं आपसे नए चैलेंज वीडियो में, और तब तक और विनर के साथ कल के। हाँ तब आज विनर बन गया तो देखो कैसे बोल रहा है बीच में आके, तिल मिला रहा। हाँ तिल मिला रहा मैं। तो मनु आप भी कुछ अपने फीडबैक देना चाहेंगी? मैं ये कहना चाहूंगी पिज्जा अच्छा था, चैलेंज भी काफी अच्छा था। अब क्योंकि आपका मुंह कम चलता है, आपका दांत खराब है ना, मुझे खराब वाला दांत दिखाओ। दांत खराब
इसके दांत बड़े बड़े हैं तब भी ये धीरे खाती है। जरा दांत दिखाओ, ये देखिए दोस्तों, यही करो भाई, कितने बड़े बड़े, तुम अपने दांत दिखाओ, तुम पेंसिल दांत है तुम्हारे तो। तो दोस्तों ये तो हो रही थी एकदम बढ़िया से मजाक वाला, लेकिन फाइनली हमारा रिंकू सेठ विनर है। कॉन्ग्रेचुलेशंस रिंकू, धन्यवाद। तो भैया रिंकू जीत गया है। बाकी तो चाज का चैलेंज बड़ा छोटा सा था और बड़ा ही अच्छा और बड़ा मजेदार चैलेंज। आप भी कमेंट करके जरूर, दो दो स्लाइस होने चाहिए थे, पूरा पिज्जा नहीं होना चाहिए, पूरा पिज्जा भी हो सकता था। तो आप भी कमेंट करके जरूर बताइए आपको चैलेंज कैसा लगा और आपने किसकी उम्मीद लगा रखी थी कौन जीतेगा। फिलहाल इस चैलेंज को ही एंड करते हैं और कल मिलेंगे आपसे एक नए और इंटरेस्टिंग चैलेंज के साथ। तब तक के लिए बाय 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 बाय। और आप हमें कमेंट में सजेस्ट भी करना अगला चैलेंज क्या करें। और भाई मेरा गुड नाइट के लिए तैयार है, इसके मुंह में गुड नाइट, गुड नाइट, गुड नाइट, वो आदत ही हो गई ना, गुड नाइट, गुड नाइट।